हाय एवरीवन, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आज हम घर में गरम तेल बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे हम सर्दियों के मौसम में किसी तरह के दर्द में यूज कर सकते हैं, जैसे घुटना दर्द, दांत दर्द, कान दर्द और शरीर के कोई भी अंग में दर्द हो तो हम इस तेल को लगा के उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और सर्दी जुकाम में भी इसे लगाकर हम राहत पा सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक तेल है, हमने इसे घर में खुद यूज किया है, ये बहुत ही अच्छा तेल है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गरम तेल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर सरसों का तेल। हमें तेल सरसों का ही लेना है, तो हम तेल को गैस में चढ़ाएंगे सबसे पहले गर्म होने के लिए। तेल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पर 2 धतूरा लिया है, ये धतूरा आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमने किस तरह का धतूरा लिया है। तो हम इसे तोड़ के तेल में डालेंगे, हमें इसे इसी तरह से डालना है, इसका कोई भी पार्ट हमें नहीं फेंकना है, हमें सिर्फ इसे तोड़ना है ताकि ये तेल में फटे ना, तो हम इसे तोड़ लेते हैं। मैंने धतूरा को तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरह से तोड़ना है, हमें सिर्फ इसी तरह से इसे तोड़ना है, इसे हमें कट वट नहीं करना है। तो हम इसे तेल में डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम लहसुन, हमने लहसुन को छील के थोड़ा सा इसे कुच लिया है, आप देख सकते हैं। हम इसे भी डाल देंगे तेल में। अब हम तेल में डालेंगे 1 चम्मच लौंग और फिर हमने यहाँ पर लिया है कपूर, ये टिकिया कपूर है। हम इसे इस तरह से खोल के इसे हम कूट लेंगे, हमें कपूर को कूट के तेल में डालना है, तो हम इसे कूट लेते हैं। मैंने कपूर को कूट लिया है, अब हम इसे भी तेल में डाल देंगे। और हमें तेल को तब तक पकाना है जब तक कि हमने सारी चीजें जो हमने डाली है, लहसुन और ये धतूरा, लौंग, सब काला ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। हमें इसे इतना ही पकाना है, आप देख सकते हैं लहसुन हमारा काला हो चुका है, हमें इसी तरह से लहसुन को काला होने तक इसे पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतार देंगे और थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, ताकि ठंडा होने तक ये और भी थोड़ा पक जाए, अभी ये गर्म है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ठंडा होने के बाद। तेल हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम इस तेल को छान लेंगे। तो हमने यहाँ पर छलनी लिया है, हम तेल को इस तरह से छानेंगे छलनी की सहायता से। तेल को मैंने छान लिया है, अब ये हमारा गरम तेल बनके तैयार है। सर्दियों के मौसम में किसी भी तरह के दर्द या सर्दी जुकाम में आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे आप किसी भी बंद कंटेनर, जार में या बोतल में रख दे, ये सालों भर खराब नहीं होगा और इसके जो फायदे हैं वो भी कम नहीं होंगे। तो अगर आपको हमारी ये टिप्स और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।